अक्सर फिल्मों में हीरो हीरोइन आपको महंगे महंगे डिजाइनर ड्रेसेस में नजर आते हैं। हीरोइन तो हीरोइन, हीरो के भी कपड़े कम महंगे नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में जो कपड़े हीरो हीरोइन पहनते हैं, बाद में उनका क्या किया जाता है? जैसे बाजीराव मस्तानी में जो सुनहरे रंग का अनारकली सूट दीपिका ने पहना था, वो कहाँ है? या बॉम्बे वेलवेट में अनुष्का का पहना हुआ 35 किलो के उस शानदार ग्रीन गाउन का क्या हुआ? अब अगर हम आपको बताएं कि इन खूबसूरत कपड़ों को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रख दिया जाता है और फिर धीरे धीरे भुला दिया जाता है, तो दरअसल सेलेब्स के पहने ज्यादातर कपड़ों के साथ यही होता है। इन्हें एक ट्रंक में लॉक करके इन पर उन फिल्मों के नाम लिखकर प्रोडक्शन हाउस में रख दिया जाता है। दरअसल मिड्डे की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा यशराज फिल्म्स की स्टाइलिश आयशा खन्ना ने किया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन ड्रेसेस को मिक्स और मैच करके नए कॉम्बिनेशन के साथ जूनियर आर्टिस्ट को पहनाया जाता है ताकि ऑडियंस को पता न चल सके। हालांकि सभी कपड़ों का हश्र ऐसा नहीं होता। कई बार फिल्म स्टार्स अपने कुछ खास पसंदीदा कपड़ों को डिजाइनर और प्रोड्यूसर की परमिशन लेकर अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि वो सिर्फ इन्हें एक मेमोरी के लिए अपने साथ रख लेते हैं, दोबारा पहन नहीं सकते। और ऐसा भी होता है जब एक्टर्स सेट पर किरदार में आने के लिए ये कपड़े खरीद कर पहनते हैं। कई बार हाई प्रोफाइल डिजाइनर्स फिल्म के बाद अपने कपड़े वापस ले लेते हैं। मनीष मल्होत्रा और अंजू मोदी ज्यादातर फिल्मों के लिए डिजाइन किए गए कपड़े वापस ले लेते हैं। तो वही कई बार चैरिटी के मकसद से स्टार्स के कपड़ों की नीलामी भी की जाती है। मसलन रजनीकांत और ऐश्वर्या राय की फिल्म रोबोट के कुछ आउटफिट्स नीलाम किए गए थे और इससे मिले पैसों को एक चैरिटी के लिए दिया गया था। वही फिल्म मुझसे शादी करोगे के गाने जीने के हैं चार दिन में डांस करते हुए सलमान ने जिस टॉवल का इस्तेमाल किया था उसे 1,42,000 रुपीज में नीलाम कर दिया गया था और इस तौलिए की ऑनलाइन नीलामी से मिले पैसों को एनजीओ को दे दिया गया था। तो वहीं लगान में आमिर खान के इस्तेमाल किए गए बैट को भी 1,56,000 रुपए में बेचा गया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।